नमस्कार, मैं सूर्या और ये है सुधीर सर। और मैं आज इनसे खास बातचीत करूंगा और कुछ जो सोशल मुद्दे हैं उस पर मैं बात करूंगा। और ये सुधीर सर है, ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप तो इनको जानते ही हैं। तो सुधीर सर आप कैसे हैं? नमस्कार सर, पहले तो और बहुत अच्छे हैं और आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट फर्स्ट है, ये एपिसोड फर्स्ट है। बहुत सारा ऐसे एपिसोड आता रहेगा हमारे सूर्या सर के साथ। तो कुछ टॉपिक्स था जिसपे बात करनी थी हम दोनों की, जिसपे कुछ रिव्यू रहेगा मेरा भी और इनका भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि वुमन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है आपका वुमन एम्पावरमेंट के बारे में? देखिए, वुमन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम गांव से लेकर देखें, गांव में जो सुविधाएं हैं या जो सुविधाएं पहले भी थी तो वो ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। हालांकि कंपेयर करें अगर लड़कों से लेकर लड़कियों में, आज भी अगर बात करते हैं तो गांव में बहुत सारा ऐसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जो कि उनको आगे तक नहीं लेकर जा सकते। लेकिन ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं कि लड़कियों को बुरा ही बाधित कर दिया गया है। आज के समय में बहुत सारी लड़कियां हमारे स्पोर्ट्स में आपको देखने को नजर आ रही है जी। स्पोर्ट्स में बात करें या आजकल फ्लाइट कमांडर बन रही हैं, आप देख सकते हो स्पोर्ट्स में, आप क्रिकेट में देख सकते हो मिताली की जैसे हो गई। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन या आपके अलग अलग क्षेत्र में भी हम बात कर सकते हैं। एजुकेशनल लेवल पे आल्सो आप बात कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे एजुकेशन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बाधित है, लड़कियां आज के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे जा रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन एक हम बात करें कि एक खुलकर हम नहीं आ रही हैं आजकल लड़कियां, खुलकर वो पेरेंट्स की गलती है या आप बात मान सकते हो कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग की गलती है, सोच की, वो सोच आपको बाधित बना दिया है लड़कियों को आने के लिए। आज भी अगर बात करें तो गाँव में ये देखा गया है कि अगर लड़की पैदा होगी तो लोग नाराज हो जाते हैं या दुखी मन से बोलते हैं कि लड़की होगी। क्यों भाई, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि कारण है, यही कारण है आपको कि वो सोच के से आगे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वही चीज है, आप अगर बात करो लड़की अगर बड़ी हो गई, पैदा हो गई, बड़ी हो रही है, छोटे छोटे जो खिलौने खेलने लायक अगर जो हो जा रही है तो वहां पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। आप देख सकते हो आप लड़की के लिए गोली ला रहे हो और वही लड़के को आप स्पोर्ट्स पे ला रहे हो। यहाँ तक आपको थिंकिंग जो थिंकिंग है वो सोच को बदलनी पड़ेगी, तब जाकर हम कहीं ना कहीं लड़कियों को डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सोशल है, सोशल क्वेश्चन है, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में आपको क्या ओपिनियन? वही चीज है जैसे मैंने बताया आपको कि जेंडर इनइक्वालिटी में क्या है कि हम लड़कियों को थोड़ा कम आते हैं लड़कों से और लड़कों को ज्यादा आते हैं लड़कियों से। वही चीज है, सेम चीज है जेंडर इनइक्वालिटी, और वहां पर हम बेटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, SDG जिसको बोलते हैं, 17 गोल्स आपको देखने को मिलेगा जो सारे देश इस पे काम कर रहे हैं। अगर बात करें जेंडर इनइक्वालिटी पे, पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सारे ऐसा मुद्दा है कि हमारे और आपके जैसा बस की नहीं है या ये कंट्री मिलकर नहीं कर सकती है, पूरा देश इसको लगा हुआ है SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये जेंडर इनइक्वालिटी वहां पर भी रखा गया है कि इसमें रखा गया ताकि हम समाज को और ज्यादा बेहतर बना सके। और रिक्वेस्ट है यार प्लीज आप लोगों से कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, भेदभाव मत करिए लड़की लड़कियों के साथ। आपके घर लड़की भी पैदा होती है ना तो आप खुश रहिए और आप बोलिए कि हाँ मेरे घर बेटी पैदा हुई है, क्योंकि बेटियां ही हैं जो आपको बेटा देती हैं, ये बात हकीकत है। तो यही चीज है, जेंडर इनइक्वालिटी को हम खत्म कर सकते हैं। और बाय द एजुकेशन, एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा तो हम बेटियों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ये बोला जाता है कि अगर बेटा एजुकेट होता है ना तो केवल आज की पीढ़ी को सुधारता है, लेकिन अगर बेटी को एजुकेट करते हो, आप बेटी को शिक्षित करते हो तो बेटी आपको तो शिक्षित करेगी, आने वाले फ्यूचर को शिक्षित करेगी, जहाँ जाएगी उसको भी शिक्षित करेगी, अपने बेटों को शिक्षित करेगी। तो यही चीजें होती है, वो कहीं ना कहीं समाज को पूरी लेकर चलती है। आज भी आप देखें पूरे समाज को लेकर चलती है, पूरे दिन भर काम करेगी घरों में, संडे के दिन इवन संडे के दिन भी वो काम करती है जबकि आप आराम करते हो। ये चीजें हैं जो कि थोड़ी सी सोच को हमको बदलनी पड़ेगी इसको आगे लाने के। तो सुधीर सर का जो ओपिनियन है इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं समाज में एक अहम कड़ी हैं जो समाज को डेवलप करती हैं और एक नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। और जो महिलाओं का एजुकेशन है उस पर भी सुधीर सर का फोकस रहा है, उन्होंने कहा है कि
महिलाओं का जो महिलाओं को एजुकेट करना है ताकि हम लोग का जो समाज हो वो एजुकेट हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन ही टॉपिक्स है, क्योंकि एजुकेशन के बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और विलेज और सिटी और विदेश में भी मतलब एजुकेशन के लिए बहुत ही है, सारे कंट्री के अगर काम करें तो इसका इसके ऊपर अपन का ओपिनियन है। एजुकेशन तो अगर बात करें, एजुकेशन में शिक्षा है, एजुकेशन पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एजुकेशन में मतलब क्या है, व्हाट इज दैट डिफाइन, क्या कैसे डिफाइन करोगे, हाउ टू डिफाइन एजुकेशन का मतलब। सिर्फ अगर बच्चों की बात करें, थोड़ा सा जो कम एज के बच्चे हैं, प्लस के जो नीचे बच्चे हैं, जो अभी टेंथ पास कर रहे हैं या ट्वेल्थ पास कर रहे हैं, नाइन्थ में टेंथ में है बच्चे, वो समझ नहीं पाते हैं एजुकेशन आगे का। सर आपको बताया, क्योंकि वो समझते हैं केवल सिलेबस कम्प्लीट हो गया, अपना काम हो गया और याद कर दिया और काम खत्म हो गया। नहीं, आपको समझनी पड़ेगी कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि ये कहीं ना कहीं कोर्स बोला गया है कहीं ना कहीं कि आपको एजुकेशन होती है जो कि आपको दुनिया बदल सकते हो आप, ठीक है। आपको एजुकेशन यानी शिक्षा एक सरने का दूध है जो बीए का उधारेगा, आप डॉक्टर बी एन अम्बेडकर के कोर्स भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। एजुकेशन बहुत सारे लोग बात की है और एजुकेशन को जस्ट एजुकेशन मत मानिए कि सिलेबस कम्प्लीट हो गया और 12वीं कम्प्लीट हो गया। आप एजुकेशन को इस लेवल पर लाइए ना कि आप थिंकिंग सोच को बदल सको, समाज को बदल सको, समाज को कुछ बेहतर कर सको। आप ऐसा नहीं है कि आप 12वीं के बाद पढ़ लेंगे तो आपको नौकरी ही मिलना है या नौकरी ही लेनी है। केवल मात्र नौकरी की जरूरत नहीं है, मात्र नौकरी से आप कुछ नहीं कर सकते हो, बल्कि एजुकेशन शिक्षा रहेगी ना आप, तो इस एक पीढ़ी को आप जागरूक कर सकते हो। जागरूक करने वाली बात होती है कि आप जागरूक कैसे हो रहे हो, अवेयरनेस कैसे कर रहे हो आप, तो वही चीज है। और पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो, एजुकेशन लाना चाहिए, ठीक है। मैं बात करूंगा कि जैसे एजुकेशन के लिए पेरेंट्स प्रेशर देते हैं बच्चों के ऊपर और बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। अभी कोटा में कुछ बच्चों ने सोसाइटी केसेस आ रहे हैं और ओवरऑल मतलब कंट्री में भी देखे तो ऐसे सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे और डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। तो इनके बारे में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक तालमेल होना अच्छा जरूरी है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए बच्चों के बारे में, बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि तालमेल होना बहुत जरूरी है एक पेरेंट्स के साथ एक बच्चे के साथ। और आजकल के जो बच्चे हैं पेरेंट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली तो है, लेकिन इतना फ्रेंडली नहीं है कैरियर के लेकर, या इतना फ्रेंडली नहीं है अपने उस आगे वाले जनरेशन को कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं अपना जो है अपना जो सीमा था या अपना जो सपना था उसको थोप दे रहे हैं बच्चे को ऊपर। ये पेरेंट्स गलती कर रहे हैं, जैसे कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो हमारा बच्चा डॉक्टर क्यों बनेगा यार, या हम उसके स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा ही सपना वो पूरा करे, आपको उसके स्ट्रेंथ को पहचाननी है। और दूसरी चीज होती है कि आप ट्वेल्थ में जब जाने वाले होते हो, इलेवेंथ में होते हैं बच्चे, तो उनके पास ऑप्शन आती है आर्ट्स चूज करने के लिए, साइंस चूज करने के लिए। तो होता क्या है उसमें कि बच्चे किसी न किसी के दबाव में आकर और साइंस ले लेते हैं, किसी न किसी के दबाव में आकर मैथ्स ले लेते हैं, भले ही उसको इंटरेस्ट उसमें ना हो, समझ में वो ना आए, वो बाकी चीजें फिर बाद में उसको लीव करना पड़ता है उसको सोसाइटी प्रेशर को लेकर या पेरेंट्स प्रेशर को लेकर, नहीं आपको साइंस ही लेनी है बेटा, आपको मैथ्स ही लेना है, क्रेज है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, IIT आप बड़े बड़े बात कर सकते हैं, IIT है, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं लेकिन सुसाइड कर ले रहे हैं। कोटा में बहुत सारे सुसाइड किए जैसे कि आपने बताया, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उस बेस पे सुसाइड कर रहे हैं और वही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो बच्चे इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें नहीं आए। तो इंटरेस्ट तो होना बहुत जरूरी है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप अच्छा करिए। आप आर्ट्स, बहुत सारे बच्चे आर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, आर्ट्स के टीचर ऐसे शानदार आर्ट्स के टीचर हैं कि क्या बताया जाए, उदाहरण पेश है यार, आर्ट्स में भी कहीं ना कहीं आप IAS तक बन सकते हो। यही चीजें हैं कि आपको उस स्ट्रेंथ को पहचाननी है और पेरेंट्स थोड़ा इसके बारे में सोचें, इसके बारे में जानें, अपने बच्चे से तालमेल करें, बात करें। सबसे बहुत पहले जरूरी चीज है कि आपका बच्चा जब टेंथ में हो ना, आप उस बच्चे के साथ बैठ कर खुलेआम बात करिए, नहीं बच्चे आपको क्या चीजें समझ नहीं आती है, क्या चीजें नहीं आती, आपको क्या चीजें समझ में आती है वही पढ़ो आप। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैं आर्ट्स लिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में जान गए थे और मैं अपने स्ट्रेंथ को जान गया था, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ आज भी। वही चीजें जिस स्ट्रेंथ पे हो आप उस पे फोकस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बेटर कर पाएंगे।
कहने का मतलब है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ये ना कि सोसाइटी का प्रेशर हो और पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं आप साइंस लो या आर्ट्स लो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें अच्छा काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे सुधीर सर कि जो सोशल मीडिया है इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है और एडिक्शन भी है बच्चों के पास। लोग दिन दिन भर मोबाइल ले रहे हैं, लड़के मोबाइल ले रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे एडिक्शन से बचे और जो सोशल मीडिया है उसका पॉजिटिव यूज कैसे करें? मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि आपको बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब दुनिया में प्लास्टिक नहीं आया था, जब प्लास्टिक दुनिया में आया तो लोग बहुत खुश हुए, दुनिया खुश हुई, आप नहीं, इंडिया नहीं, यूएसए, अमेरिका, जो कि यूएसए है, जो कि ब्रिटिश, चाइना, ये सारे कंट्री खुश हुई कि ऐसा प्रोडक्ट आ गया, ऐसा प्लास्टिक आ गया जिसको कभी गल ही नहीं सकता है और इसका हम बहुत भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो जब प्लास्टिक आया तो भरपूर उपयोग किया हम लोगों ने, लेकिन इतना उपयोग किया कि आज वही प्लास्टिक आपका सरदर्द बन गया है। उस प्लास्टिक को आपको खत्म करने की बात कर रहे हैं, रिसाइकल करने की बात कर रहे हैं, रीयूज करने की बात कर रहे हैं और वही प्लास्टिक आपको पॉपुलेशन पॉल्यूशन कर रहा है। तो ये चीज क्या है, आपको किसी में किसी रिसोर्स जो आता है ना, उस रिसोर्स का कहीं ना कहीं एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। हालांकि बात ये करते हैं तो यूज करने की, तो यूज करने का मेथड आपका सही होना चाहिए। पॉजिटिवली आप मोबाइल को यूज करो, हमारे पास ही फोन है, आपके पास ही फोन होगा, तो हम लोग फोन को पॉजिटिवली यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रील्स के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, और एक बार एडिक्शन जब लग गया ना आपको, फिर उससे बाहर नहीं आ पाते। ये बात को ध्यान देना है। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब पूरी दुनिया से अलग ही है, हम लोग के साथ भी होता है। अगर आप रील एक स्टार्ट करो तो उसमें हजारों रील आप देख लोगे, आपको पता नहीं चलेगा 3 घंटे 2 घंटे चला जाएगा आपका। तो वही चीजें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझना है कि हमको कहाँ पे स्टॉप करनी है। जैसे कि मेरा क्या है कि मैं एक दो रील देखता हूँ तो वहां से आपको सीखना भी है चीज, रील से आपने क्या सीखा। अगर एक रील देखा आपने, उस रील से क्या सीखा, उस रील को नोट करो आप। और मैं खास तौर पर रील देखता हूँ वही जो सीखने वाली चीजें होती है, एजुकेशनल चीजें। उसमें क्या है कि आप लगे रहोगे ना तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अनलिमिटेड आप चले जाओगे, तो वहां पे आपको रुक जाना है, जहाँ पे चीज सीखे है ना वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है, बस बहुत खत्म। तो यही चीज है, इससे आप बच सकते हो इस तरह से। दूसरी चीज क्या है कि आप टाइमर लगा सकते हो, आपके फोन में सेटिंग में आता है टाइमर, आप टाइमर बज जाएगा आपका, जब भी 1 घंटा हो जाएगा आपका टाइमर बज जाएगा, आप वहां पर भी स्टॉप कर सकते हो। या अगर आपका सबसे बढ़िया उपाय ये है, आप शेड्यूल बनाइए, दिन का शेड्यूल बनाएंगे, आपके पास दिन भर बिजी रहेंगे आप, पढ़ाई लिखाई में आप फोन छूने का मतलब ही नहीं रहेगा। फोन तभी टच करो आप जब आपके पास डाउट हो, आपके पास डाउट है कुछ, फोन पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर देखो, लेकिन ऐसे बिना मतलब का सोशल मीडिया का यूज करना मेरे हिसाब से। 12th के पास हमारा करियर ऑप्शन कैसे चुने और किस क्षेत्र में जाए जिसे हम अपना 100% दे सकते हैं, उसके बारे में बताएं। उसके बारे में ये है सर कि करियर में क्या है कि आपने जो 12th तक पढ़ा है उसको लेकर आप चल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे आजकल अगर बात करें, हमारे गाँव का उदाहरण ले सकते हैं कि 12th पास करना भी एक ये चीज़ें हैं, उसमें डिफरेंट हो जाता है। एक तो बच्चे होते हैं कि सिर्फ 12th पास कर रहे हैं और एक बच्चे होते हैं कि 12th को अच्छे से लेकर पास किए हैं और अच्छे मार्क्स के साथ किए हैं और स्टडी के साथ किए हैं। तो उसमें क्या है कि जितने भी आप स्टडी किए हैं, और लोग बोलते हैं कि 12th के बाद हम क्या करें, बेरोजगार रह जाते हैं या फैमिली के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं, लेकिन 12th तक जो पढ़े हो आप उसको तो आप आगे पढ़ा सकते हो ना, यूट्यूब पर पढ़ा सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल खोला हुआ है, चैनल खोल सकते हो आप, तो उस पर पढ़ा सकते हो आप यूट्यूब चैनल खोल कर। मेरी बात करो, मैंने जो पढ़ा हूँ वो सारी चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ, स्टैंड किया हूँ। वही चीज़ें हैं कि आप 12th के बाद कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप अपने बेस खड़ा कर सकते हो, फाइनेंशियल बेस भी आपका एक खड़ा हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर सपोर्ट होना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप 12th पास कर चुके हो अब तो आपको अपने खुद के बारे में, खुद के करियर के बारे में आपको स्टैंड लेना चाहिए। और ये है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें 12th के बाद और जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है 100% और आपका जिसमें आपकी रुचि है, विश्वास है, बिलीव है कि नहीं मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ,
तो आप काम कर सकते हैं और उस फील्ड में जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि मोटिवेशनल का क्या जरिया है, क्योंकि मोटिवेशनल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे मोटिवेट रहें, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, एकेडमिक प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर एंड पेरेंट प्रेशर, ए लॉट ऑफ प्रेशर, तो आप कैसे ऑलरेडी मोटिवेट रहते हैं इसके बारे में बताएं। देखिए मोटिवेशन का मेरे पास क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोटिवेशन को लेकर, लेकिन सबसे पहले बात मैं ये करता हूँ कि मोटिवेशन आपको लेनी है तो आप माँ बाप से मोटिवेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है यार, आपके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं आप देख रहे हो, आपकी माँ कितना संघर्ष करती है, आपके पिताजी कितना संघर्ष करते हो, आप उस संघर्ष को देख कर मोटिवेट हो सकते हो। तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है, आपके माँ बाप, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ की डीमोटिवेट होना एक आम बात है, आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो तो आम इंसान नहीं हो, इसके मतलब दैट मीन्स। तो ये क्या है कि आपको डीमोटिवेट होना पड़ेगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं आप, हम भी हो जाते हैं डीमोटिवेट, तो उस डीमोटिवेट पे आपको रुक जाना है। ऐसा लगेगा कभी काल के छोड़ देते हैं सारे चीज़ें, हटा देते हैं या हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है, लेकिन आपको उस फीलिंग पर रुक जानी है कुछ दूरी के लिए, ठहर जानी है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक फिल्म देख सकते हैं, अपने मनोरंजन का कुछ सोर्स अपना सकते हैं, कोई क्लब जा सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, चिल करिए आप, इंजॉय करिए, लाइफ है। और ऐसा नहीं है कि आपका एक पेपर ख़राब हो गया तो नेक्स्ट पेपर ख़राब होगा, नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। ये पेपर है मात्र एक परीक्षा है, एग्जाम है, तो प्रेशर नहीं लेना है, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है और संघर्ष में इंजॉय होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं बात, संघर्ष में इंजॉय नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इंजॉय के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सर के भी लाइफ में डीमोटिवेशन है और डीमोटिवेशन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो डीमोटिवेट हर कोई होता है लेकिन फिर वो मोटिवेट होता है और फिर वो आगे बढ़ता है, तो डीमोटिवेट एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे घबराना नहीं है। तो अब समय आ गया है पॉडकास्ट को एंड करने का, तो हम इजाज़त चाहते हैं पॉडकास्ट को एंड करने के लिए, आपका जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपके पॉडकास्ट में मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ, तो भाग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिकली तो आप मिलना मतलब संभव है अभी, हमारे पास भी टाइम नहीं और आपके पास भी टाइम नहीं होगा, तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, सुझाव को, और बाकी आपके कमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा इस हमारे द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा, बाकी नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में आपके जो क्वेश्चन होंगे उसे बात होगी। तो जय हिंद।